अरे महारानी बताओ कौन सी बात है जिस बात के लिए तुम मारी हो। हाय मेरे परवरदिगार, हे मेरे छप्पन प्रकार। अरे महारानी दर्द से बेचैन और परवरदिगार का नाम ले रहा है और तुम छप्पन प्रकार के चक्कर में रहते हो। स्वामी जी हमारा नहीं, आप मेरी सर सत कीजिए, फिर बीमारी आराम होगी। क्या सत जी? स्वामी जी अरे तीन गो महिला ना, अच्छा अपना अपना पेट बकरी क्या बच्चों की स्वामी। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तो मुझे अच्छा तीन गो महिला ना अपनो अपनो पेट बकरी क्या करे, नहीं बचूंगी स्वामी जी, नहीं बचूंगी। अच्छा जल्दी मेरे साथ साथ कीजिए तो बचूंगी, नहीं तो राम राम साथ हो जाएगा। क्या आगे क्या हुआ? क्या हुआ? दो के पति ने साथ कर लिया। हाँ। दो के पति ने साथ कर लिया, बच गई। एक के पति ने नहीं किया, राम नाम साथ हो गई। राम नाम सत है, राम नाम सत है, मुर्दा जबरदस्त है। कहीं का मेरी महारानी मुर्दा है, मुर्दा है महारानी। हाँ स्वामी, मैं अवश्य तुम्हारे लिए सब करूंगा। जल्दी कीजिए ना स्वामी जी, परंतु लेट क्यों कर रहे हैं? कसत हकर यही है यदि सबसे बेसत होऊंगा अंत नरक में वास होगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय प्रवचन न जाय महारानी। अब बताओ क्या बीमारी ठीक हुआ या नहीं? स्वामी जी कुछ 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 कुछ। अरे इसका मतलब नहीं समझा रे? कुछ कुछ बीमारी कुछ कुछ। बेवकूफ कहीं का नहीं समझ लो, नहीं तो अपने जो सत कर लिए ना। हाँ। महारानी की बीमारी कुछ दूर भाग गए, कुछ बाकी छे। अच्छा महारानी जी, स्वामी जी जो कुछ बीमारी बच गए हैं उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भैंसिया वाला सुइया। हाँ। भैंस वाला सुइया दवा मोटका। अरे मेरे महारानी भैंस है रे, भैंस है रे, भैंस है रे। स्वामी जी हमारे भगवान की लाख लाख शुक्रिया जो कि आज मेरी इज्जत बच गई। इज्जत जी स्वामी जी, आखिर तुम क्या कहने के लिए चाहती हो महारानी? सबसे पहले आप ये बताइए, शादी अपने लिए की है कि शीत और बसंत के लिए? महारानी जी मैं तो शादी अपने लिए भी किया हूँ और शीत और बसंत के लिए भी किया हूँ। कौन सी काम के लिए किए हैं महारानी? मैंने जो तुम्हें अपना शादी किया हूँ, मैं इसे स्वयं मैं तुम्हें धर्म पत्नी की दर्जा देने के लिए। अच्छा। और दोनों पुत्र के लिए जो किया हूँ उसे माँ का दर्जा देने के लिए। लेकिन स्वामी जी आपका लाडला शीत और बसंत मेरे कमरे में आकर के मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था और मेरी इज्जत का साथ देना चाह रहा था। देखिए मेरा सारी उड़ी नो दिया है स्वामी जी। नहीं महारानी नहीं। हाँ स्वामी जी ये नहीं हो सकता है। राजा महेश्वर सिंह का इतना खून गंदा नहीं जो कि तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर सके। स्वामी जी अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो मंत्री जी से पूछिए। चल आगे बढ़, चल चल बताओ क्या ये बात सत है? ये बात सत है। सत है? नहीं बताओ बुढ़वा, देखो तेजी, देखो बुढ़वा, नहीं अपना घर का देखता ही नहीं। अरे महाराज क्या आए 12 बजे रात में हम सुतल रही खटिया। अच्छा बकरिया वाला घर। हाँ महारानी महारानी के महल से शोर शराबा के आवाज एले। अच्छा हम कैसे बड़का बर गई 1 बजे रात में महारानी के महल में शोर शराबा। दौड़लो दौड़लो गेलियो महारानी के महल में। हाँ। तोरो दोनों बेटा शीत बसंत
महारानी की सारी नोची नोची के जमीन पर फेंके रे क्या हम कछे रे सीत रे बसंत माइज करे बहिन छिनरा ओ दोनों भाई किनारा है भिताई भिताई भाई नहीं हां स्वामी जी अगर उस टाइम मंत्री जी नहीं आते तो ना जाने मेरे जिस्म को नोच नोच के कुत्तों की तरह खा जाते लेकिन मुझे तुम दोनों की बातों पर विश्वास नहीं है ऐसा कोई ठोस सबूत है तो मेरे सामने पेश कराओ हाँ मेरे पास सबूत है चल जल से आओ ये लीजिए पहचान कीजिए गेंद किसका है की हाल ए बुढ़ो की हाल हो एकरा ढीलो फरी नंबर का आवा ए लंडे बाजो का पई नहीं करिए हो महाराज तो बुढ़ो भ गेलो तो बियाह नहीं करो तोरो बेटा जवान भ गेलो बेटा के बियाह क्या दो ई लंडे बाज गंडे बाज छिनर बाज अपने बियाह करे ले लेकिन महामंत्री आज मुझे पूर्ण भरोसा हो गया है भरोसा हुआ ना आप देखिए आपका खून कैसा गंदा है इस गेंद से साबित होता है कि मेरा पुत्र सीत और बसंत दोनों अवश्य गया होगा माँ के पास अरे तो ठीक है आज मैं उसे अवश्य सबक सिखाऊंगा यदि इस पुत्र ने गलत किया है तो उसका सजा अवश्य भोगना पड़ेगा जाओ तुम दोनों और मैं शीघ्र ही दोनों पुत्र से खबर लेता हूँ आखिर ऐसा क्यों किया ठीक है स्वामी जी मैं चलती हूँ ठीक है लीजिए माइक्रोफोन लीजिए महाराज महारानी गई हाँ मैं भी चलती हूँ चलती हूँ मतलब तुम स्त्रीलिंग हो कि पुल्लिंग और नहीं चलता हूँ प्रणाम करने से पहले तुम दोनों का हाथ कट कर क्यों नहीं धरातल पिताश्री ये आपको क्या हो गया आज आपने आशीर्वाद की जगह पर पैरों से ठुकरा दिया पिताजी अरे हम दोनों भाई से कोई भूल हुई क्या ये काम मुझे पहले ही करना चाहिए था आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं सबसे पहले तुम दोनों ये बताओ कि आज रात्रि में तुम दोनों भाई कहाँ थे और क्या कर रहे थे पिताश्री आज रात्रि में तो हम दोनों भाई अपने बिस्तर पर अपने कमरे में सो रहा था पिताजी झूठ बोल रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ बसंत तुम बताओ कि आज रात्रि में तुम कहाँ थे पिताजी आज रात्रि में अपने कमरे में आराम कर रहे थे झूठ बोलने की कोशिश किया तो तुम दोनों को जिंदा जमीन में दफना दूंगा नहीं पिताजी झूठ नहीं बोल रहा हूँ लेकिन ये बता सकते हो कि मां मरने के बाद तुम दोनों भाई के पास ऐसा कौन सा वस्तु था जिसके लिए तुम दोनों भाई नहीं तो जीती थी और नहीं तो मर पाते थे पिताश्री माँ के मर जाने के बाद माँ का दिया हुआ बचपन का निशानी गेंद था अच्छी बात है जिस गेंद से हम दोनों भाई बहुत प्यार करते थे और अपने सीने से लगा कर रखते थे लेकिन वो गेंद इस वक्त कहाँ है क्या बताऊं पिताजी एक दिन की बात है हम दोनों भाई गेंद खेल रहे थे अच्छा अचानक वो गेंद खो गया हम दोनों भाई से खो गया
और ढूंढते ढूंढते आज तक परेशान हूँ, वो गेंद हमें नहीं मिला। अरे जिस गेंद के लिए तुम दोनों भाई क्षण भर नहीं रह सकते थे, और कितने दिन हो चुका खोए हुए। चल इस गेंद को पहचान करो, क्या यही गेंद है? हाँ पिताजी, ये गेंद तो मेरा है, और ये गेंद तुम्हारे माँ के कमरे में मिला, और तुम्हारी माँ का कहना है क्या? इसी तौर बसंत दोनों कमरे में आया था और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश किया। बताओ सीत, अरे काश तुम एक बार मुझसे बोल दिया होता कि पिताश्री शादी का योग मैं हूँ, तो मैं तुम्हारा शादी करा देता, कदापि नहीं मैं अपना करता। लेकिन आज तुम दोनों को खुशी के लिए मैंने क्या नहीं किया? बताओ, जहां जहां तुम दोनों भाई ने अपना पांव रखा भगवान, मैं उस स्थान पर अपना दिल निछावर कर दिया, और तुम आज मेरे दिल को कुचल कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। रे हरम जात नहीं छड़ी नहीं मारा, आपको क्या हो गया पिताजी? लेकिन बेटा सी, आज तुम्हारी मां के कहने पर अनुकूल मैंने तुम्हारे मां के साथ वचनबद्ध हो चुका हूं। वचनबद्ध? हाँ पुत्र। पिताजी, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, धोखे से सत्य करवा लिया पिताजी। बेटा सीत और बसंत, तुम्हारी माँ का कहना हुआ
इसी तोड़ बसंत मेरे कमरे में आए थे और जोर जबरदस्ती करने की कोशिश किया। हे भगवान, पिताश्री आप तो जानते हैं कि शीत बसंत माँ के मर जाने के बाद क्यों छुप छुप के रोता है। हम दोनों भाई तो माँ का सिर्फ माँ का प्यार के लिए रोते थे, माँ की खुशी के लिए रोते थे। मुझे क्या ताल्लुक पूरे कर्मों से। पिताश्री मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका खून गंदा है जो आपका पुत्र का खून गंदा है? नहीं पुत्र, बगैर इजाजत के अपने महल से हम दोनों भाई कभी पांव आगे नहीं बढ़ाए। हाँ बेटा, एक माँ के साथ कहे कैसा व्यवहार करना चाहिए ये मैं खुद समझता हूँ, लेकिन पुत्र इस वक्त मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं जिससे कि मैं तुम दोनों भाई का रक्षा कर पाऊँ। ये एक रास्ता है मेरे पास पुत्र, आप कहना क्या चाहते हो? इस वक्त तुम दोनों भाई चले जाओ महल, महल और महल से म्यान से तलवार खींच कर लेकर आओ, और अपने पिता का सर धड़ से अलग कर डालो बेटा। नहीं पिताजी, हे भगवान, आहो पचपन यहां से चले जाओ अपनी माँ के पास और माँ की शरण पकड़ कर इतना रोना इतना गिरगिराना, माँ का हृदय पत्थर का भी होगा तो उसे पिघलाकर मोम बना देना बेटा, और वो अवश्य तुम दोनों भाई को माफ कर देगा, माफ कर देगा। हाँ पुत्र, मुझे विश्वास नहीं होता पिताजी, जब आप इस संसार में